एक्चुअली अबाउट 30 साल हो गया हम ओमान में आया। हम ये बिजनेस शुरू किया, हैंडीक्राफ्ट बिजनेस। उसके बाद ही मैं इसका कलेक्शन शुरू किया। मैं बिजनेस शुरू किया, बाद में मैं सोचता रहा क्या करना चाहिए। उस ओमान का इतना अच्छा कंट्री है तो क्या करना चाहिए, ऐसा सोच सोच के हम देखा ओमानी और हमारा जो आदरीय हिज मैजिस्ट्री, उनको तो हम दिल से प्यार करता है। तो ओमान का नोट के ऊपर हम लोग देखा वो 7 डिजिट है, उसमें हम लोग उनका डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ ईयर नहीं कर सकते, तो इसीलिए देखा इंडियन करेंसी के ऊपर आदरीय हिज मैजिस्ट्री उनका डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ ईयर आ जाता है। तो उसका बाद हम लोग सोच सोच के इसको स्लोली स्लोली 15 साल का ऊपर कलेक्ट शुरू किया। इसको एक्चुअली 1940 से 2018 तक अभी तक हमारे पास कलेक्शन है, मतलब 78 ईयर्स का कलेक्शन हमारे पास है। तो लोगों के लिए मेरा मैसेज यही है, ये लोग इतना अच्छा है, फ्रेंकली है और हेल्पफुल है, के लिए हम दिल से प्यार रखता है और खुश रहे, बस ऐसे ही दिन का दिन प्रोग्रेस होते रहे, ये हम लोग का दुआ है। कभी ये नहीं बेच सकेगा पैसा का, इसका हमारा सब कुछ मतलब नहीं है। और अगर हम कभी हमको चांस मिलेगा तो हम हैंड टू हैंड बिजनेस स्ट्री सुल्तान काबूस इनसाइट को देना चाहता है। अगर नहीं हो सकेगा तो ये अगर नेशनल म्यूजियम में भी दे सकेगा, वो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, हम खुश हो जाएगा।